नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम सब देखने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न। माय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का प्रश्न है, आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? उत्तर है फूलों की कली। आपका अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? उत्तर है बर्ती काग्र। आपका अगला प्रश्न है, चाय और कॉफ़ी का मुख्य रासायनिक उत्पादन क्या है? उत्तर है कैफीन। आपका अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है? उत्तर है निकोटीन। आपका अगला प्रश्न है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? उत्तर है एंडोस्पर्म। आपका अगला प्रश्न है, मांसभक्षी पौधा है? उत्तर है नेपेन्थिस। आपका अगला प्रश्न है, रिसर्पिन प्रयुक्त होता है? उत्तर है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? उत्तर है वनस्पति द्वारा खाद निर्माण की प्रक्रिया। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पादप के किस भाग में होता है? उत्तर है पत्ती तथा अन्य क्लोरोप्लास्ट धारक पादप। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर है CO2, H2O तथा क्लोरोफिल से। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उत्तर है ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? उत्तर है क्लोरोफिल। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका क्या है? उत्तर है सौर ऊर्जा को ग्रहण करना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित होती है? उत्तर है CO2। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उत्तर है ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर है जल से। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ते का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया कराता है? उत्तर है रंध्र। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? उत्तर है लाल। आपका अगला प्रश्न है, पौधे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किस स्रोत से करते हैं? उत्तर है सूर्य के
प्रकाश से। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन ऊर्जा प्रदान करता है? उत्तर है सूर्य का प्रकाश। आपका अगला प्रश्न है, पत्ते के किस भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? उत्तर है ऊपरी। आपका अगला प्रश्न है, सामान्यतः हरित लवक कहाँ पाया जाता है? उत्तर है हरी पत्तियों में। आपका अगला प्रश्न है, खाली स्थान पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण करता है? उत्तर है क्लोरोफिल। आपका अगला प्रश्न है, हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता क्योंकि? उत्तर है इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का रंजक का रंग खाली स्थान है? उत्तर है हरा। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? उत्तर है मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? उत्तर है हरा। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक क्या है? उत्तर है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, यह सच है लेकिन रात्रि के समय पौधे श्वसन क्यों करते हैं? उत्तर है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है, किस वैज्ञानिक ने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? उत्तर है मेलविन कैल्विन। आपका अगला प्रश्न है, रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पेड़ छोड़ता है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, पादप जो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं? उत्तर है स्वपोषी। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? उत्तर है पत्तियां में। आपका अगला प्रश्न है, स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? उत्तर है रंध्र द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन काम करता है? उत्तर है K+1। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? उत्तर है अस्टोमाटा। तो माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आपके इस वीडियो में बस इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया।